आज तो नाश्ता भी यही, दोपहर का खाना भी यही और रात का डिनर भी यही। चलो हवा को चीरते हुए हम जाएंगे भैया का नाम देने के लिए। सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम एंड हैप्पी बुगी। ये बुगी बुगी नहीं है, बुगी महाराष्ट्र में एक त्यौहार होता है, मुझे आज पहली बार पता चला है यार, इतने साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। हाँ, मुझे पता चला कि मकर संक्रांति जो कि कल है, उसके पहले एक बुगी होता है जिसमें यहाँ पे कुछ खास सब्जी बनाई जाती है और बाजरे की रोटी बनाई जाती है, भाखरी। तो मेरा आज फिर से खाना घर पर नहीं है, मावशी बना रही है और उन्होंने बोला है कि वो मुझे सिखाएंगी भी कि आज क्या बनता है, तो मैं वही जा रही हूँ। मास्क की तरह मेरा तो मेरे पास तो कुछ है नहीं और मुझे आता भी नहीं है क्या होता है, लेकिन मैंने सुना उसमें गाजर पड़ता है जो कि मेरे पास है, उसमें राइस भी बनेगा, उसमें टमाटर पड़ता है जो कि मेरे पास है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, बाकी उन लोगों के पास है। तो हम किचन में साझा चूल्हा आज करेंगे, साझा चूल्हा जिसमें सब लोग एक साथ खाना बनाते हैं, तो कुछ वैसे ही हम लोग दो तीन लोग मिलकर करने वाले हैं आज। तो वो सब तो अच्छी बात है, पर मास्क किधर है? घेवड़ी, घेवड़ी, पाउटा, पाउटा, गाजर, हाँ, बैंगन, अनि मूंगफली, हाँ, मूंगफली भी है, हाँ, टमाटर अभी नहीं डाला है, नहीं नहीं, इसको स्टीम लगा रहे हैं पानी में भाप। हैप्पी बोगी, बोगी नहीं बोलते बाबा, बोगी बोलते, मैंने गलत बोला था। अभी यहाँ पर आग जलाने की तैयारी, तो ये अभी, हाँ, आज पता नहीं क्यों धूप नहीं है, कल भी ऐसा था। हाँ, मौसम बहुत बदल गया, तो अभी भी इसमें सिर्फ पानी है। नमक डालना क्या? नमक टाका सिर्फ नमक में डाला, इसमें आलू नहीं ना, कांदा बटाटा नहीं, ताज़ा खेत से निकला अदरक। खुद ही सोचो फिर खाना कैसा बनेगा, सब कुछ ताज़ा फ्रेश। नहीं, हल्दी वैसे नहीं लूंगी, वो बिजनेस है आपका, चलेगा, वो मेहनत से लगाया, वापस आएंगे ना, वापस वापस तो आएंगे ना, नहीं आप वापस आएंगे तभी हम बिजनेस करेंगे, अभी ये टाइम पे नहीं। देखो खाना पीना भाई और बहन वाला और बिजनेस बिजनेस वाला। अच्छा हाँ, आज बता दूं कि आज पूरे महाराष्ट्र में हर घर में ये बन रहा होगा, भैया ने बताया। अच्छा, बोगी क्या होता है भैया, आज क्या त्योहार है? त्योहार ही रहता है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति एक दिन पहले, पहला दिन, हाँ, एक बोगी रहता है, बोगी, दूसरे दिन वो मकर संक्रांति, तो इस दिन बाजरे की रोटी और ये चलता है सब घर में, सब घर में सब। हैप्पी लोहड़ी, आज पंजाब में लोहड़ी मनाई जा रही होगी, तिल गुड़ करते हैं उसमें भी ना, मूंगफलियां खाते हैं, ये सारा किसानों का ही त्योहार है, किसानों का है ना, किसानों का। आज मिक्स वेज कुछ ऐसे ही भागते भूखते सीखने को मिलेगा। सुबह सुबह स्टीम लगा दिया है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो महाराष्ट्र में सभी को पता होगा। इस बीच में मैं आकर शार ले चुकी हूँ, क्योंकि मावशी ने कहा था स्टीम अभी लगा रहे हैं, भाजी बाद में बनाएंगे, तो अभी भाजी बनेगा। पता नहीं मैंने इतना बड़ा झुमका तो पहन लिया है, तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, बस भागम भागी में अभी तो देखना ही था, नहीं पहना, अभी पहन ही रही थी कि जल्दी जल्दी बुलाया, देखो क्या पहना, कल पहनूंगी, ले मैंने तो आज ही पहन लिया, कल कल कर। अच्छा, बोगी में इतना तैयार नहीं होने का, मकर संक्रांति में ज्यादा तैयार होने का। हाँ। तो लावण्या भी तो तैयार हुई है। लावण्या भी तैयार हो गई। हाँ, चप्पल चप्पल बाहर, लावण्या और परिणीति की जोड़ी बिल्कुल वैसी है जैसे चट्टू पट्टू। ए बैठ जाओ, बसा, बेस्ट फ्रेंड ना, ये लावण्या, ये परिणीति, ये दस ना, दस तुम्हारा नाम? लावण्या अनिल फंसे, फंसे,
एंड तुम क्या नाम की? प्रणीति किरण खनसे। वाह, इसमें है मूंगफली, सीम जिसको पाउटा, घेवड़ा, चने, गाजर, बैंगन, यानी नमक। खूब अच्छे से इसको स्टीम दिया धीमे आंच पे। सुबह से सिर्फ स्टीम में ही पक रहा है, धीरे धीरे धीरे। अब इसको हम बनाएंगे। ये मिक्स वेज है, लेकिन ये बोगी में महाराष्ट्र के हर घर में बनता है। लावण्या, इकाय तिल चटनी रात्रि खाली ना? हाँ। कल चटनी में क्या क्या डाला थोड़ा बता दो तो बता दूंगी। तिल, लहसुन, खोबर, नमक, लाल मिर्ची। महाराष्ट्र घर में फूड बहुत अलग और बहुत अलग टेस्ट आता है, बिकॉज इनके घर में रेडीमेड जो मसाला ये बना कर रखते हैं। रेडीमेड मीन्स मार्केट से नहीं, एक बार महीने, दो महीने, एक साल का मसाला जो प्रिपेयर करते हैं वो बहुत अलग होता है। सफेद तिल डाला है, फिर महाराष्ट्रियन रेड मसाला, ये हम आपको रेड मसाला बनाना सिखाएंगे। मैं इसी को रेडीमेड मसाला बोल रही थी जो कि महाराष्ट्रियन घर में हमेशा होता है। हल्दी, मावशी हल्दी का कारखाना घर में, और हल्दी का डब्बा इतना सा बोरी का बोरी भर के रखा है घर में हल्दी। देखो मैं इसमें जो पढ़ रहा है वो मैं अभी बता दे रही हूँ, पर डिटेल मसाला रेसिपी मैं बाद में शेयर करूंगी। इसमें दो तरह के मसाले डाले हैं इन्होंने, एक है तिल का मसाला जिसको तिल चटनी कहते हैं, एक है रेड चटनी जिसको लाल मसाला कहते हैं। ये दोनों महाराष्ट्रियन घर में हमेशा बनाकर रखा जाता है और जब भी खाना बनता है वो उसमें डाल देते हैं। हेलो, अब इसको मिक्स करने का। मिक्स। अच्छा, सारे मसाले को इसमें मिक्स किया। जो मसाला है मैं उसमें बता दूं कि इसमें आपका नारियल भी है, लहसुन भी है, थोड़ा गरम मसाला भी है, धनिया, जीरा, सारे मसाले इसमें हैं। मावशी, चना भी ना? चना हरभरा, सिंगदाना पुने। हाँ, सिंगदाना। बेसिकली ये सब्जियां तो पकी हुई हैं और जो इनके मसाले हैं वो चटनी के तौर पे खाए जाते हैं, तो देखा जाए तो ये भी खा सकते हैं। अच्छा, इसमें तिल और लहसुन डाला है अभी। इसमें जो मिक्स वेजिटेबल थे उसको डाल दिया। सारा मौसी रही है हा? और मुझे से दिखाने के लिए लो भाई दिखाओ। गांव में पता ही नहीं चलता कि घर किसका है और बाहर वाला कौन है। घर वाला और बाहर वाला में कोई फर्क ही नहीं है। कुछ भी काम होता है सब मिलजुल कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो खाना है ना, हर घर में बन रहा है और फिर भी एक दूसरे को ये लोग देते हैं। ये रिवाज है यहाँ पे। जाला, सब्जी जाला मतलब सब्जी बन गया। ओ मसाला भात, ये कभी बनाया? अता ले, एक और आइटम तो बन चुका है जिस कॉल्ड मसाला भात। पहली जो रोटी है वो भगवान के लिए बन रहा है, यानी कि देवता के लिए, देवाचा, समझ गए? कितना छोटे छोटे वर्ड से कंफ्यूजन हो जाता है ना। देवाचा मतलब भगवान के लिए, मैंने सोचा देने के लिए देवाचा। ये बच्चे देखने में लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं पर बहुत काम करते हैं। मैं सबको मावशी बोलती हूँ। और क्या बोलते हैं गांव में? मौशी बोलते हैं। मौशी, ताई, अक्का, ताई, अक्का। मैं सबको मावशी और भैया बोलती रहती हूँ, तो जानना चाहिए ना क्या बोल सकते हैं। और पहले तो सबको आई बोलती थी। इसमें थोड़ा सा बाजरे के साथ ज्वार मिक्स किया है। ये गांव ही है जो छोटे छोटे रिचुअल्स को, त्योहारों को आज भी बचाया हुआ है, छोटे पैमाने पे सही लेकिन वो मनाते जरूर है, उस दिन को खास बनाते जरूर है। पूरा वीडियो मेरा मुंह छुपाकर बन रहा है, ये कोई बात हुई क्या? कैसा सा दिन और जमाना आ गया है मुंह छुपाते फिरो। पहले लोग बोलते थे ऐसा काम ना करना कि मुंह छुपाना पड़े, और अब ऐसा काम करो, वैसा काम करो, कैसा भी काम करो मुंह छुपाकर ही रखना पड़ता है। क्या रे ऊपर वाले, मास्क का नाम मैंने रखा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहन लिया मैंने। ये भगवान जी के लिए थाली बनी।
मासी कोई भी त्योहार में ये करते हैं हो तो उदे पोड़े बनवाई छे पोड़ी 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 उदे उदे कल 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 पोड़ी बनेगा हाँ मैं सीखूंगी मुझसे काम करवाना नहीं कड़ाली पर आजी घर ये ले घर नहीं कड़ाली मी यहाँ आजी भी मेरे लिए थाली लाई मैं घर ही गए ले घर ही गए हो यहाँ देख लेने का था देखो क्या अंदर न पर थाली में आजी मुझे ढूंढते हुए मेरे घर गई थी और मुझे आजी के घर जाना है पर अभी तक गई नहीं तो आज अभी जाऊंगी ओहो हो हो अरे वाह ये क्या है पाउटा पाउटा फूल तैयारी आज मी पंडित जी आए उद्या पण करायचं नाही कल 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 जेवण नाही करायचं तुम्ही कल नाही करायचं आम्हीच करणार भाई मैं किस दिन खाना बनाती हूँ मुझे तो पता ही नहीं चलता है आज इधर उधर से मिल गया कल भी बोल रही है कि कल खाना नहीं बनाना इधर ही होगा हे भगवान ठीक ठीक मजा मजा आए हाँ मजा है ठीक है ए आजी दवाई लिया हाँ। नाश्ता के पहले लिया हाँ। और एक नाश्ता के बाद लेना है हाँ। नाश्ता के बाद लिया हाँ। नहीं सब में हाँ हो खा लेना खा ले हाँ। गोली गोली खा ली और सिरप ये गाय सगड़ा देव तत गाय देव हाँ हाँ हाँ, हाँ।, हाँ। एक देवता के लिए प्लेट लगा दूसरा गाय देवता के लिए मावशी ने कहा सबसे बड़ा देवता तो गाय है जो इतना कुछ दे रही है भैया का नाश्ता नहीं तो तुम्हारे अरे बाप रे बहुत हो गया कमाई आप लोग सीखो मैं खाऊंगी चलो अब क्या अब तमाशा खत्म अब खाने का गरम गरम खा गरम 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 अच्छा रहता है क्या है ना इतनी जगह से जो बटोरा है सबका खाना है ये देखो ये है आज सुबह की कमाई गांव में रहने के मिर्ची लिया ना घेतली हो गया मैंने अभी मौशी से पूछा मौशी कुछ मदद चाहिए मौशी ने कहा जाला हो गया मैं चालू हूँ ना काम खत्म होने के बाद मदद पूछती हूँ थैंक यू मौशी ये देखो दो घर से आए हैं जा रहे हो जा रही हूँ राशि दीदी मैं आ गई देखो दो घर से तो ले लिया हमने वसूली दो घर से हो गई तीसरे घर से बाकी है हम लोग नेबर्स है ना वो क्या कहते थे मिल बाट खाए गंगा नहाए कहाँ चली कहाँ चली सुबह सुबह कहाँ चली वो शानी धन्यवाद प्लेट लेकर आ रही हूँ खाने वाने के बाद लाऊंगी आराम हाँ, से हाँ, आराम से चलो जी देखो एक और मिला है बाजरे की रोटी और मिक्स वेज अब हम बैठकर जीवेंगे अरे भाई साहब ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है भाई ये देखो कितना सारा हाँ आज तो पूरे दिन रात खाते रहेंगे हाँ। बर्तन हम बाद में देंगे गांव में त्योहार कैसे मनाते हैं यार जो बाहर का है जिसके यहाँ नहीं है वो भूखा नहीं रह सकता और ऐसा नहीं फील कर सकता कि आपके यहाँ त्योहार नहीं है एक बार देख लो ये एक अकेली जान मतलब मैं और बंधु कितना ही खाएंगे लेकिन इतने मतलब लोग आकर खाना दिए हैं अब क्या है ना हम हर घर का खाना थोड़ा थोड़ा खाएंगे आज तो नाश्ता भी यही दोपहर का खाना भी यही और रात का डिनर भी यही चांस ही नहीं है आज कुछ और बनाने का हमारे यहाँ मेहमान आया है तू मेरे हाथ की रोटी खा ये सारे मैं खाऊंगी मैंने फेंक कर नहीं दिया मैंने रखा है खाना अच्छा ठीक है मैं हटती हूँ
बहुत टेस्टी है, यम्मी। दुनिया वाले नाम रख रहे हैं भैया का, सबने लिखा, पता है कितने लोगों ने लिखा है भैया का नाम। अच्छा बाबू, मस्त पेट भर के खाया, बनाया कुछ नहीं, उसके बाद सोया और सोने के बाद उठे हैं और आप लोगों का दिया हुआ जो सजेशन था भैया का नाम, हमने वो नोट डाउन किया है और हम जा रहे हैं उनको देने के लिए। देखते हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा नाम वो ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए, उनको इस नामों में वो नाम मिलता है या नहीं। जब घर में बच्चा नहीं होता है ना, तब 50 नाम सोचते हैं, और जैसे ही बच्चा आ जाता है ना, समझ नहीं आता कि रखूँ तो क्या रखूँ। उनका भी कुछ वैसे ही होगा। आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे नाम सुझाए हैं सच्ची में, थैंक यू सो मच। जैसे ये पन्ने का हालत हो रहा है, आप देख सकते हो कितनी हवा है यहाँ पे। चलो हवा को चीरते हुए हम जाएंगे भैया का नाम देने के लिए। ये देखो मैं आ गई हूँ भाई, आप लोगों का दिया हुआ नाम लेके। उनको बताना होगा ना कि इन्होंने नाम बताया इतने प्यार से, तो मैंने आपको दिया। हाँ। इसमें बहुत अच्छा अच्छा नाम है, ठीक है? इसमें तुम्हारे नाम और पप्पा के नाम का मिलाकर नाम बताया है सबने। इसमें पढ़ के बताऊं कि हाँ। भैया आएगा तो पढ़ लेगा? नहीं, पढ़ के दिखाना एक बार। एक नाम है साई श्री, साई श्री, हाँ साई श्री। एक नाम है सुभाष, एक नाम है श्रीशा, एक नाम है सभ्य, एक है सुजग, एक है श्रीवंश, श्रीवंश वंश, सौभाग्य, श्रेयस, श्रेयस श्रेयस, एक नाम है श्रेयांश, श्लोक श्लोक, हाँ। एक नाम है ऋषभ, सुमेध, साहिब 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 भैया साहिब भैया साहिब, और भी बहुत नाम है। अभी ये नाम अपने पास रखो, भैया को देना, ठीक है? जितना भी लिख कर आया, हाथ लगाना क्या जल्दी लगाना इसको, हाँ शुभ काम है ना। आपने लगाई? हाँ, आप लोग भी लगाते हो ना? इसलिए तो बोल रही हूँ। देखो छोटी छोटी चीजें हर जगह सेम होती है। चलो अब भी मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो गई, समय काम करने लगा। बाद में आते इधर से? नहीं भाई को नहीं गई, चलो मिलती हूँ। चलो जी, हमने सौंप दिया आपकी अमानत को, लेट्स सी उन्हें कुछ और ऑप्शन चाहिए या इसमें उनको कुछ मिल जाता है। मूगा जाए कि वाई जाए, पता नहीं यार, पैसे निकालने के लिए तो वाई जाना होगा, लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके गाइस, रात हो चुकी है, पूरा दिन बहुत खूबसूरत बहुत मज़ेदार बीता है। बोगी त्यौहार मैंने पहली बार मनाया और इतना दबा कर खाया है, नाश्ते में खाया, दोपहर में खाया और रात में खाया, क्या बाजरे की रोटी और मिक्स वेज। और खुशी की बात यह है कि पूरा खा लिया मैंने और बंधु ने मिलकर, और आप लोगों ने जो नाम लिख कर दिया था वो मैंने नोट डाउन करके भैया के मम्मी पापा को दे दिया है। आई होप उनको कुछ पसंद आ जाए। कल की शॉपिंग भी हो गई है मकर संक्रांति की, गुड़ पोहा तिल ये सब कुछ आ चुका है। तो कल बहुत सुबह सुबह दिन शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मेरा अभी तिल गुड़ बनाना बाकी है, आज नहीं बना पाई तो कल बनाऊंगी ये सारा कुछ। तो कल मिले, आराम से रसोई में बैठकर बातें करेंगे और दिन की शुरुआत भी कर देंगे सुबह सुबह। तो आज के लिए इतना ही, राम राम, जय भारत, शब खैर, कल मिलते हैं।